हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सच में आप एक अच्छी जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको पता है जो आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आप आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? कौन कौन से जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बाद? और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला है। वैसे तो ये जनरल वीडियो है ताकि आपको पता चले कि आप पढ़ने में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हाय, आई एम भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो इस वीडियो में हम जो चीजें देखेंगे वो इस तरह हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं और उन्हें लास्ट में यही नहीं पता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लास्ट तक यही नहीं पता होता कि ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, कोई लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम एजुकेशन, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, उस एजुकेशन की जरूरत हमें क्यों है। फिर हम देखेंगे कि हमें एक जॉब करने की जरूरत क्यों है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे पेरेंट्स, आप में से किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, तो बच्चे सोचेंगे कि भाई हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, उस पैसे से हम बाद में एक कोचिंग लेंगे या फिर एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर हमें जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, वो क्या सोचेंगे कि जॉब, यहाँ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर पहुंचने का। तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए जॉब इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद सेकेंडली, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर एप्लीकेशन की टीचर हूँ, तो आपको ये बताऊंगी कि जो हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज किया है वो क्यों चूज किया, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपको पता चलेगा कि आजकल के टाइम में, इवन आपने कोरोना के काल में ये तो देख ही लिया होगा कि बिना कंप्यूटर के तो लाइफ ही नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि कौन कौन सी फील्ड में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हो। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में हम क्या देखेंगे, आपको यही पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। हम HAS बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर बन सकते हैं, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जा सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब यही जनरल सी जॉब्स हैं जो आपको पता होती है। मतलब जब हम भी स्टूडेंट्स थे हमें भी इतना ही पता था, लेकिन आपको बहुत इस लाइन में एक वास्ट जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे नॉर्मली क्या सोचते हैं लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई गवर्नमेंट जॉब, मतलब बहुत एक दो गवर्नमेंट जॉब्स होती है कंप्यूटर वालों के लिए, बाकी कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। जबकि आप इस वीडियो में देखोगे कि सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही है। और कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, कौन कौन से सेक्टर्स में आप लोग जॉब कर सकते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन रेलवे में आप MSc इन कंप्यूटर साइंस के बाद कौन कौन से जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। मास्टर्स के बाद आप अगर PhD करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, उसके बाद आप एजुकेशन में भी आ सकते हैं, मतलब आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसके बाद आप कौन कौन से जॉब के लिए एलिजिबल है वो भी आपको पता लगेगा। और फिर भी अगर आप, मान लीजिए आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोरोना काल है, आप कोई टेस्ट नहीं दे पाए, कोई वैकेंसी ही नहीं निकली, तो आप घर बैठे क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बहुत ही मेहनती होंगे, पूरा साल उन्होंने पढ़ा होगा अपने एग्जाम्स के लिए कि वो एक अच्छे नंबर लेकर आएंगे और अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे या अच्छी गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड्स कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो स्पेशली बनाई है, अपना कीमती वक्त निकाल कर घर पे बैठे कर आप फ्रीलांस जॉब्स कौन कौन सी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसके लिए आपको कहीं पर कुछ
टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। तो बहुत सारी जॉब्स है जो आप घर पे, अगर आपके पास एक सिस्टम है नेट की फैसिलिटी, कुछ के लिए नेट की फैसिलिटीज चाहिए, कुछ के लिए नहीं चाहिए, तो घर पे बैठ कर ही आप कौन कौन से जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो, कौन कौन से अर्निंग के तरीके हैं, या फिर अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो उसके साथ आप कौन कौन से एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी जो हम छोड़ देंगे ये सोच कर कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम भी ये अपॉर्चुनिटी आएगी, शायद इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाए, और हम उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे। तो हम एक छोटी सी बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसमें आप बहुत सारी स्टोरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, और उसके बाद आप प्लीज ये चीज अपने तक नहीं रखिएगा, औरों को भी मोटिवेट कीजिए। और औरों को मोटिवेट क्यों करना है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। तो हम ये सब कुछ है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। करियर ऑप्शंस के बारे में जानने से पहले हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्यों है। क्योंकि अगर आपको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होगी तो आपको जॉब की वैल्यू भी यकीन मानिए नहीं पता होगी, और आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्या था, बहुत पहले एक राजा था। तो राजा क्या करता है, एक जंगल में जाता है शिकार करने। तो बहुत गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में आपको पता ही होगा, आजकल भी गर्मी चल रही है, कि बारिश कब हो जाए तो इसका पता ही नहीं होता। गर्मी ज्यादा होगी तो बारिश हो जाएगी, पता ही नहीं चलता। तो वो थोड़ा दिन के टाइम बाहर निकला, तो बहुत शिकार करते हुए बहुत जंगल में दूर तक चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, शाम हो गई और एकदम से बारिश शुरू हो गई और तूफान आने लग गया। तो क्या हुआ, राजा अंधेरा होने लग गया। तो राजा क्या हो गया, जंगल का रास्ता भटक गया, उसे पता ही नहीं लगा कि अब वापस महल तक कैसे पहुंचा जाए। तो फिर अब रात हो गई थी, राजा सुबह से शिकार पे निकला हुआ था, ठीक है। अब शाम हो गई, तो अब क्या किया जाए, उसे बहुत जोर से भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, तो अब वो क्या करे। तो बड़ा वो इधर उधर घूमता है जंगल में, तो उसको एक छोटी सी कुटिया दिखती है। वहां पर सामने क्या देखता है, घर के सामने कि तीन बच्चे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, ठीक है। वो राजा उन बच्चों को देख रहा होता है, तो वो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो राजा उनको बोलता है कि क्या आप मेरे लिए कुछ, बच्चों खाने के लिए कुछ मेरे को मिल सकता है, खाने के लिए मेरे लिए अगर तुम कुछ लेकर आ जाओ। बच्चे कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हम ले आएंगे आपके लिए खाने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने घर जाते हैं और कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए राजा के लिए ले आते हैं, कुछ पीने को ले आते हैं। तो राजा खा लेता है, अब उसे सुबह से भूख लग रही थी तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत मतलब अच्छा लगा कि बच्चों ने मेरी कितनी हेल्प करी है, कितने प्यारे बच्चे हैं। तो बच्चों को बोलता है वो, बच्चों मैं बहुत खुश हुआ और मैं तुम्हारी ना हेल्प करना चाहता हूँ, तो तुम बताओ मुझे कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, मैं हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी हेल्प करके। तो पहला बच्चा जो था, पहला बच्चा राजा को बोलता है कि आप सच में हमारी हेल्प करेंगे। वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करूंगा। तो पहला बच्चा बोलता है कि राजा जी मैंने कभी दो वक्त का खाना ठीक से नहीं खाया, और कभी ठीक से कपड़े नहीं है मेरे पास घर में पहनने के लिए, कभी ऐसा होता है कि मेरे माता पिता को एक टाइम मुझे खाना खिलाने के लिए भूखा रहना पड़ता है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए धन, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो कि मतलब मैं दो वक्त का एक अच्छा खाना खा सकूं और अच्छे कपड़े पहन सकूं।
है। तो राजा कहता क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा कि जो तुम्हारी जिंदगी है वो बहुत अच्छे से निकलेगी, तुम अच्छा खा पाओगे, अच्छे से रह पाओगे। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सेकंड बच्चे से पूछते हैं कि भाई तुझे क्या चाहिए। सेकंड बच्चा बोलता है, सोचता है कि भाई इसे तो इतने पैसे मांगे, इसको तो पैसे मिल गए, अब ये खाना भी खा सकता है। तो सेकंड बच्चा क्या मांगता है उससे, वो कहता है राजा को, राजा जी आप मुझे ना एक बंगला दे दीजिए और घोड़ा गाड़ी क्या आप देंगे मेरे को। तो बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा सा बंगला दूंगा और घोड़ा गाड़ी दूंगा, तुम खुश रहोगे उसमें। तो ये हो जाता है। अब उसके बाद थर्ड तीसरे बच्चे से पूछता है वो राजा ना कि बच्चे तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों से, तुम तीनों ने मेरी इतनी हेल्प करी तो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो तीसरा बच्चा क्या बोलता है कि राजा जी ना तो मुझे पैसे चाहिए और ना ही मुझे बंगला चाहिए, ना घोड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप मेरी इतनी हेल्प करो कि मैं एक अच्छी पढ़ाई कर सकूं, ठीक है, मुझे एक अच्छे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल सके और मैं एक बहुत ही विद्वान इंसान बन सकूं और अपने देश की सेवा कर सकूं और अपने घर वालों के काम आ सकूं। तो राजा बहुत खुश होता है तीसरे बच्चे की बात सुनकर, वो जाता है और उसकी बहुत हेल्प करता है कि मतलब वो अच्छे से स्टडी कर सके, उसकी पूरी पढ़ाई का ध्यान रखता है। और वो बच्चा भी बहुत मेहनती था, वो बच्चा भी क्या करता है दिल लगा के पढ़ाई करता है और दूसरों की भी हेल्प करता है और उसमें मतलब कुछ करने की लगन थी, तो वो बहुत विद्वान इंसान बन जाता है। तो जब वो बहुत ही विद्वान इंसान बनता है तो एक टाइम क्या आता है, राजा उसको अपने महल में रख लेता है मंत्री के पद पर, क्योंकि वो बच्चा बहुत विद्वान बन चुका था। तो अब जब वो एक अच्छा मंत्री बन गया था तो राजा को क्या होता है, एक बार याद आता है कि हाँ बहुत साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, ये तीन बच्चे मुझे मिले थे और एक ने धन मांगा था, एक ने घर मांगा था और एक ने यहाँ पर मंत्री के पद पे है। तो अब वो दो बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, खुश होंगे वो तो। तो वो उस मंत्री को अपने पास बुलाता है, वो बोलता है कि कुछ साल पहले तुम्हारे साथ तुम्हारे दो दोस्त थे जो खेल रहे थे, तो वो दोस्त मैं जानना चाहता हूँ वो दोस्त कैसे हैं, तो तुम यहाँ पर उनको हमारे महल में इनवाइट करो और हम उनके साथ मिल भी लेंगे और खाना भी खाएंगे साथ में मिलके। तो मंत्री ऐसा ही करता है, मंत्री उन दोनों अपने दोस्तों को इनवाइट करता है खाना खाने के लिए कि भाई आ जाओ कि तुम्हें राजा ने बुलाया। तो वो दो दोस्त चल पड़ते हैं उसके साथ राजा के पास। तो फिर पहला जो बच्चा होता है, अब तो बड़ा हो चुका होता है, तो राजा उसे पूछता है कि तुमने बहुत साल पहले धन मांगा था, कैसे हो तुम, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है। तो वो बच्चा बोलता है राजा जी क्या हुआ, आपने मुझे धन दिया, आपने मुझे बहुत धन दिया, आपने मुझ पे बहुत एहसान किया था, लेकिन क्या हुआ वो इतना धन था कि मैं बहुत ही आलसी हो गया, मैंने कुछ जिंदगी भर सीखने की कोशिश ही नहीं करी क्योंकि मेरे पास पैसा था, मैं जो चाहता था खरीद सकता था, लेकिन क्या हुआ मैं आलसी हो गया और मेरा थोड़ा सा धन जो धन था आधा धन चोरी हो गया और आधा मैंने बेकार के कामों में उड़ा दिया और मैं आज उसी कंडीशन में पहुंच चुका हूँ जिस कंडीशन में आप मुझे छोड़ कर गए। तो राजा हैरान हो जाता है। फिर वो दूसरे बच्चे से पूछता है तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। वो बोलता है राजा जी आपने मुझे घर दिया था और गाड़ी दी थी, हमारे गांव में बाढ़ आई और मेरा घर और गाड़ी सब कुछ उसी में बह गया और मैं भी उसी कंडीशन में पहुंच गया जहां पर आप मुझे छोड़कर गए थे। वो दोनों बहुत ही दुखी थे।
जो तीसरा बच्चा था वो क्या था? वो तो मंत्री बन चुका था। अब आपको इस चीज से क्या शिक्षा मिलती है? आपको ये पता लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है तो एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास एक अच्छा घर है और एक गाड़ी है, ठीक है, तो आप कब तक वो, मतलब किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। अब पहले बच्चे का धन चोरी हो गया, दूसरे का घर बाढ़ में बह चुका था, लेकिन जो तीसरा बच्चा था उसकी जो शिक्षा थी, वो बच्चा इतना विद्वान बन चुका था कि अब उससे वो चीज कोई चुरा नहीं सकता था, धन को कोई चोरी नहीं कर सकता। और अब उसके पास इतनी शिक्षा थी कि जिससे वो जितना पहले बच्चे को धन दिया गया था उससे ज्यादा धन वो कमा सकता था, दूसरे बच्चे को जो घर दिया गया था उससे अच्छा वो घर बना सकता था। तो हमारे लिए एजुकेशन इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी अच्छी। लेकिन आजकल के टाइम में सिर्फ एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन के साथ स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना के काल में आप लोग देख चुके होंगे, जो लोग टेक्निकली साउंड नहीं है वो किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब आपको टाइम के साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपको उस पे वर्क करना पड़ेगा। अब जो बच्चे या जो टीचर्स जिन्होंने आज तक कंप्यूटर का कभी यूज ही नहीं किया था, उनको भी कंप्यूटर यूज करना पड़ता है। हमको बहुत सारी चीजें हैं, नई एजुकेशन में कंप्यूटर कहाँ से, थर्ड क्लास से स्टार्ट हो चुका है, तो कितना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर इस चीज के लिए। लेकिन अब हमें ये जानना जरूरी है कि लेकिन जो हम पढ़ाई करते हैं वो हम पढ़ाई करते क्यों हैं? बहुत बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मुझे ये राजा मिल जाएगा तो मैं उसको क्यों बोलूंगा भी मुझे पढ़ना है, मैं उसको बोलूंगा मुझे डायरेक्ट ही मंत्री बना दे। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ही आपको मंत्री बना देगा तो एक दिन वो भी राजा नहीं रहेगा। मान लो अगर आप उसको बोलो भाई मुझे डॉक्टर बना दे और आपको आता ही कुछ नहीं, आप तो किस मरीज को मार दोगे। वैसे ही अगर आप बिना पढ़ाई के मंत्री बन जाते हैं तो ऑब्वियसली राजा का भी राज पाट छिन जाता। तो पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि हम क्यों पढ़ते हैं, पेपर में पास होने के लिए। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ क्या पढ़ेंगे, पेपर से 2 दिन पहले पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। टीचर्स आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे कॉलेज के टीचर्स बहुत मेहनती हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स बनाते हैं, अच्छे से रट्टा मारते हैं और उन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता उसमें है क्या, नॉलेज कुछ नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में है ये वीडियो, तो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक सब्जेक्ट है पाइथन, सेकेंड ईयर में हमारे पास एक सब्जेक्ट है PHP, और थर्ड ईयर में दूसरी लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, आप लोग क्या गलतियां करते हो सकता है आपके पास फर्स्ट ईयर में दूसरी लैंग्वेज हो, किसी के पास सी लैंग्वेज होती है, सेकंड ईयर में आके C++ हो जाएगी। तो आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में आप सोचते हैं कि हम थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार आते हैं वो हम पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, और बहुत अच्छे मतलब 98-99% भी कुछ बच्चे स्कोर कर लेते हैं ऐसा करके, और उन्हें प्रैक्टिकल के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, या अगर नॉलेज है तो बहुत कम होती है। नॉर्मली एक टीचर के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो आपको जितना सिलेबस है वही कवर करवा पाए, बहुत होता है। लेकिन उसके अलावा आपको कैसे पढ़ना है, आप एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बारे में 10 प्रोग्राम्स आपको खुद से पढ़ने चाहिए थे मगर आपने नहीं पढ़े, ठीक है। तो जब पूरा साल बीत गया, आपने, मैं एग्जांपल दे रही थी कि पाइथन दी फर्स्ट ईयर में, है ना, आपने पढ़े कितना कोरोना काल में, आपने पढ़ा 1 हफ्ता पढ़ लिया या 1 महीना पढ़ लिया, इससे ज्यादा पढ़े ही नहीं आपने। कुछ टाइम पढ़ा फिर छोड़ दिया, पढ़ा फिर छोड़ दिया, थ्योरी करके निकल गए कि क्या अभी तो फर्स्ट ईयर है, कोई बात नहीं, आगे मैं अच्छे से पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। सेकेंड ईयर में आपके पास दूसरी लैंग्वेज आ गई, फॉर एग्जाम्पल PHP आ गई, फिर आपने वही किया, आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़े और आप पास हो गए, फाइनल ईयर भी ऐसे निकल गई। बट एक
कंपनी वाला, अगर आपकी एक कंपनी होती तो वो आपको जॉब क्यों देंगे? आपको वो जॉब तभी देंगे ना अगर आपको वो काम आता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी में इंटरव्यू, आपकी खुद की कंपनी है ठीक है, और आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट वो है जिसके 99.9% मार्क्स, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और सेकंड स्टूडेंट वो है जिसके 40-50% मार्क्स, ठीक है, तो आपकी कंपनी जिस चीज में डील करती होगी, जो भी काम आप करते होंगे, जिस टाइप के सॉफ्टवेयर आप बनाते होंगे, तो आप किसको जॉब दोगे? जिसको वो काम आता होगा। अब 99% वाले बच्चे ने क्या किया, उसने अपनी जिंदगी पूरी पढ़ाई में लगाई, उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करे और आ गया वो इंटरव्यू के लिए। सेकंड स्टूडेंट ने क्या किया, उसने पढ़ाई की, किसी कारण से हो सकता है उसके मार्क्स कम आ गए हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल की, जो उस कंपनी में काम होता था उसकी बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो आप किसको जॉब पे रखोगे? सेकंड वाले स्टूडेंट को ना, क्योंकि आपने अपनी कंपनी डुबानी नहीं है, आपने अपनी कंपनी को बढ़ाना है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने मतलब मिलियंस में लोन लिया होता है, ठीक है, तो उनको भी तो वो पैसे कंप्लीट करने हैं। अगर वो ऐसे ही स्टूडेंट को रखेंगे जिन्हें कुछ कोई स्किल का पता ही नहीं है, कोई लैंग्वेज ही नहीं आती है, तो वो उसको क्यों रखेंगे जॉब पर, है ना? तो अब क्या करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो फर्स्ट ईयर निकाल देते हैं, सेकंड ईयर निकाल देते हैं, और फिर फाइनल ईयर भी ऐसे चला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, कोचिंग लेते हैं उसी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जो उनके पास फर्स्ट ईयर में थी, ठीक है, फर्स्ट ईयर की, और सोचेंगे कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, जॉब से 1 महीने पहले वो कोचिंग ले लेंगे उस लैंग्वेज की। अब ये सोचिए कि अगर जब आपके पास वो लैंग्वेज थी, 1 साल का टाइम था आपके पास, आपने नहीं पढ़ाई की, और अब आप कह रहे हैं 1 महीने में आप कितना सीख लेंगे? आप सोचते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप HAS या IAS के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट है, बट जब आपके पास वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पूरे सेमेस्टर था या ईयर था, तब आपने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, लेकिन आपको लगता है कि जब आप पेपर देने जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लेंगे या 1-2 महीने की कोचिंग ले लेंगे तो आप HAS IAS बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आप मास्टर्स में आकर भी यही गलती करते हैं कि आप वो क्लास में जो पढ़ते हैं वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, सीखने के लिए नहीं पढ़ते। तो इस गलती को ना कीजिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे बनना क्या है, और जो मुझे बनना है, लाइक मुझे HAS बनना है या IAS बनना है, या एक पर्टिकुलर, जैसे आपके पास लैंग्वेज है लाइक पाइथन है, तो AI या डेटा साइंस तो बहुत ज्यादा काम है, ठीक है, तो आपके सिलेबस में तो सिर्फ पाइथन है ना, लेकिन पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे और भी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए, और वो आपके सिलेबस में नहीं होगी, वो आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी। तो आप पढ़ें सीखने के लिए, और एक्चुअल में जो आप जॉब करना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि कौन कौन सी जॉब होती है, उन्हें सुना, बस उन्होंने इतना सुनना होता है कि या तो मैं HAS बन जाऊंगा, या मैं IAS बन जाऊंगा, या मैं किसी कंपनी में जॉब कर लूंगा, या कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाऊंगा, बट ऐसे नहीं बनते। जब तक आपको आएगा ही नहीं तब आप नहीं करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिस्टम ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो उसके पास सिस्टम नहीं है मेहनत नहीं कर सकता। जब मेरे पास मतलब +1 +2 में भी कंप्यूटर साइंस थी, ग्रेजुएशन में भी कंप्यूटर साइंस थी, मेरे पास सिस्टम नहीं ही था, बट मैंने बहुत मेहनत करी उस टाइम। मैं जाती थी किसी के घर और वहां पर कंप्यूटर में मैं हेल्प लेती थी कि हाँ मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए आप अपना सिस्टम दीजिए, जब आप नहीं यूज कर रहे हैं वहीं पर बैठकर मैं प्रैक्टिकल करती थी, ठीक है। आजकल के स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास आते हैं, बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं कि ठीक है मेरे घर में, बहाने लगा देते हैं, हमारे घर में शादी है, ये बीमार है, वो बीमार है, नहीं गए वो कॉलेज, या उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैं सेकंड ईयर में थी, मतलब मेरे पास था BSc नॉन मेडिकल, सेकंड ईयर का जो मेरा, मैं पढ़ने में अच्छी थी, ठीक थी, अच्छी पढ़ती थी, फिर क्या हुआ, सेकंड ईयर का जो मेरा फर्स्ट एग्जाम था उसमें क्या हुआ, उसी दिन सुबह सुबह 6 बजे मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अब
उस टाइम तो मुझे इतनी समझ नहीं थी कि अगर मैं पेपर नहीं दूंगी तो मैं इसको बाद में दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि तो एक फादर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता ना जिंदगी में। अपनी फैमिली से इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। बट फिर भी घर से मेरे मम्मा ने भेजा मुझे कि हाँ तू पेपर देकर आ। मैंने पेपर दिया। फिर उसके बाद क्या था, हमारे पास कुछ खाने के लिए, मेरे पास कोई बुक्स के लिए पैसे नहीं थे पहले, मतलब ना बुक्स के लिए पैसे थे ना यूनिफॉर्म के लिए पैसे थे। अब कैसे करनी है ग्रेजुएशन। बहुत रोई मैं, बहुत रोई। उसके बाद क्या किया मैंने, थोड़ा सा टाइपिंग वर्क भी किया। फिर वो पैसे के साथ क्या किया मैंने, बीएससी कंप्यूटर, ये सॉरी बीएससी नॉन मेडिकल भी किया और उसके साथ इग्नू में बीसीए भी किया। अब आपको पता है वहां पर इग्नू में तो आपको इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलते जितना आप रेगुलर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका सिलेबस बहुत अच्छा है इग्नू का। तो मैंने वो सबसे खुद ही पढ़ना शुरू किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली में कोई अर्न करने के लिए नहीं है। तो मैंने पढ़ा, मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी, बहुत सारा आगे काम करना सीखा। और मैं तब एक दिन क्या हुआ, मेरा प्रोफेसर का जॉब इंटरव्यू था और मैं बहुत खुश इंटरव्यू के बाद, इसलिए नहीं कि इंटरव्यू बुरा हुआ था, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ था, आता था मुझे। जो और गए इंटरव्यू में उन्होंने आंसर नहीं दिए या कुछ था, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था। मुझे ये था कि मतलब जिस चीज के लिए मैंने पूरी जिंदगी पढ़ाई करी और आज उस चीज का क्या था, इंटरव्यू था, मतलब मेरे पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं थी, कैसे वो सारी चीजें मेरी आंखों के सामने आ गई। बट मुझे अपनी पढ़ाई पे इतना विश्वास था कि हाँ ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए। अगर एक अच्छा टीचर, मतलब मैं पहले ही क्या करती थी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तब मैंने पढ़ाई करी है सारी, ठीक है। बहुत मतलब मेरे मम्मी ने और मेरी सिस्टर ने बहुत साथ दिया मेरा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पढ़ो तो सीखने के लिए पढ़ो और एक्चुअल में जॉब के लिए पढ़ो, ना कि पास होने के लिए। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप क्या करोगे, आप टॉपिक्स डिसाइड करोगे, या हो सकता है आप अभी भी ना पढ़ रहे हो कि पता नहीं प्रमोट कर देंगे या कुछ भी है। आप प्लीज पढ़ने के लिए ही पढ़ो, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे लिए जॉब की इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों चाहिए हमें जॉब। ऑब्वियसली हमें किस लिए चाहिए, खाना खाने के लिए, हम अच्छे घर के लिए, अच्छे कपड़े पहन सके, बीमार हो जाए तो अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, हमें चैन की नींद मिल सके और पीने के लिए अच्छा पानी मिल सके, यही चाहिए हमें जीने के लिए, और क्या चाहिए, ठीक है। हम तभी खुश रह सकते हैं, इसीलिए हमें अच्छी जॉब चाहिए। अब देखो लड़कों के लिए, बॉयज के लिए जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी सोसाइटी एक ऐसी है कि लड़के के को ग्रेजुएशन के बाद ही एक टेंशन है कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ही खिलाना है घर, मुझे ही चलाना पड़ेगा और तभी कोई लड़की मुझसे शादी करेगी अगर मेरे पास जॉब होगी। और लड़कियों के लिए जॉब क्यों इम्पोर्टेंट है, लड़कियों के लिए जॉब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लड़कियों को किसी दूसरे के घर में जाना है। अब आप अपने पेरेंट्स को, लड़कियां बहुत सोचती हैं पैसे मांगते हुए ना कि मुझे कपड़े के लिए पैसे दे दो, मुझे ये दिला दो, लड़कियां बहुत सोचती हैं। लेकिन अब वो अपने हस्बैंड से शादी कर लेंगी और अगर मान लो वो जॉब नहीं करती, हस्बैंड को क्या बोलेगी, प्लीज मुझे कपड़े लेने के लिए जॉब दे दो। हस्बैंड के माइंड में क्या होगा या घर वालों के माइंड में क्या होगा, वो सोचेंगे हम इसको खिला रहे हैं घर में बिठा के और इसे हर चीज के लिए, कपड़ों के लिए भी पैसा दे दो। मतलब जो आपके फादर आपके लिए कर सकते हैं वो चीज आपके लिए आपका हस्बैंड नहीं कर सकता, ठीक है। आपको उसे खाना बना के खिलाना पड़ेगा, ठीक है, सारे काम करने पड़ेंगे, बट आप उससे पैसे मांगोगे कब तक मांगोगे, किस किस चीज के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी कि चल छोड़ कि नहीं चाहिए मुझे, या कुछ भी नहीं चाहिए, जी लेंगे कुछ नहीं, आधी जिंदगी निकल गई है, थोड़ी सी और बची है जी लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपने पढ़ना है और किस चीज के लिए पढ़ना है, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आपको किसी और की हेल्प की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज में लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, तो वो क्यों होता है, एक रीजन तो ये भी है कि बिकॉज वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आप में कि आप जो कर रहे हैं ठीक है। तो आप प्लीज
जो जॉब करो, जॉब जरूर करो सबसे पहले। लड़के के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, लड़की के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज बिना जॉब के एक घर नहीं चल सकता। आप में से बहुत सारे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो थोड़े से निराश होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन गलत चूज कर लिया। अगर हमने कुछ आर्ट्स या साइंस ले ली होती तो कम से कम हमें HES IAS की या कोई भी गवर्नमेंट जॉब देने के लिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी की नॉलेज तो होती। अब एक तो कंप्यूटर एप्लीकेशन मुश्किल है थोड़ा सा, तो अब क्या करेंगे, अब तो जॉब्स ही नहीं है हमारे पास, गलत पंगा ले लिया हमने। बट ये बिल्कुल भी गलत है। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसे पढ़ने के बाद आप कभी भूखे नहीं मरोगे ना, तो वो कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन। ध्यान से सोचो, क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट आपकी नजर में है जहां पर कंप्यूटर एप्लीकेशन ना यूज हो रहा हो। थोड़ा सा ध्यान दो। और इवन दैट, अब आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे नर्सरी के, फर्स्ट केजी के और अलग अलग क्लास के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। अब बच्चों को मोबाइल चलाना आता है, ऑनलाइन मीट, पहले किसी को आता था ऑनलाइन गूगल मीट कैसे होती है, ठीक है, जूम पे मीटिंग कैसे करते हैं। और ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे वीडियो, कभी आपने पढ़ने की वीडियो इतनी सर्च करी है नेट पे जो आप अब कर पा रहे हो। मोर ओवर अब पेपर का यूज भी बहुत कम हो रहा है इसकी वजह से। अब क्या करते हो, अगर आपको किसी को अपना काम करके भेजना है, ठीक है, आपके टीचर्स आपसे मांग रहे होंगे कि हाँ भाई अपना काम चेक करवाओ, तो आप क्या करते हो, आप ईमेल कर देते हो कि हाँ भाई ये हमारा काम है, व्हाट्सएप कर देते हो। तो अब अगर किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता ना, तो उसे लोग समझते हैं कि ये इलिटरेट है, इसे कुछ भी नहीं आता, अनपढ़ है ये। तो पहले तो जो हमारे पास कंप्यूटर है के बिना क्या है, अनपढ़ ही समझा जाता है एक इंसान को, किसे कुछ भी नहीं आता। और कोरोना के सिचुएशन में आपको पता है सिर्फ उन्हीं लोगों की जॉब चल रही है जो थोड़ा टेक्निकली साउंड है, अदरवाइज बहुत सारे जो कंपनीज हैं, कंपनी से भी बहुत सारे लोग निकाल दिए क्योंकि वो अपडेटेड नहीं थी। जो पुराना घिसा पिटा जिस लैंग्वेज में वो काम करते थे, बस उसी लैंग्वेज में काम किए जा रहे हैं, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं आता, उन्होंने सीखने की कोशिश ही नहीं करी। अब आपको, मैं घर पे बैठ के काम कर पा रही हूँ, लोग घर पे बैठ के जॉब कर पा रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑफिस नहीं अटेंड कर सकते हैं। आप बच्चे घर पे पढ़ पा रहे हो क्योंकि कंप्यूटर की वजह से, किसकी वजह से। उसके बाद क्या है, सिर्फ अब आने वाला टाइम कैसे आएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को जॉब मिलेगी जो टेक्निकली साउंड होंगे, जो टेक्निकली साउंड नहीं होंगे उन्हें बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारी जॉब्स में क्या होता है, कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर डिप्लोमा इंपॉर्टेंट कर देते हैं, ठीक है, और आप तो ग्रेजुएशन ही उसमें कर रहे हो, मास्टर्स ही उसी में कर रहे हो, आप वैसे ही उनसे अलग हो गए। दूसरा क्या है, अब डिमांड देखो, जैसे अब ऑनलाइन स्टडी हो रही है तो मोबाइल की डिमांड बढ़ गई, लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई, तो ऑब्वियसली इसके चलाने के लिए भी तो सॉफ्टवेयर चाहिए ना। एप्लीकेशन बन रही है किस चीज में बन रही है, कंप्यूटर में बन रही है। बट अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आपने जिंदगी भर ना कोई ऐप बनाई, ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ना कोई वेबसाइट बनाई, तो मतलब उस पढ़ने का कोई भी यूज नहीं है। स्टूडेंट्स भी हमारे पास कैसे आएंगे, मतलब आपको पता होगा कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स भी आएंगे तो ऐसे आएंगे कि हाँ जिन्हें सब कुछ आता होगा। और अगर कोई क्वारंटाइन पीरियड पे भी है घर पे, मान लो उसे ऑफिस जाने के लिए मना किया, तो घर पे बैठ के वो अपना काम कर सकता है। और मान लो अब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी होंगे जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या और कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, बट आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, घर पे इतने महंगे इक्विपमेंट्स होना तो पॉसिबल नहीं है। बट जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं उनके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म हो सकते थे ऑनलाइन, वो अपने मतलब सिस्टम पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और टीचर्स उनके प्रैक्टिकल भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, इवन दैट जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा हो, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय आज जो काम कर रहा है वो ऑनलाइन ही कर रहा है, तो अगर उसे कंप्यूटर की समझ नहीं होगी वो कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आपको कंप्यूटर की समझ होगी तो आप औरों को भी सिखा पाओगे। तो जो कंप्यूटर का स्टूडेंट है वही है एक्चुअल में, अब ये मानते हैं कि हाँ भी पढ़ा लिखा स्टूडेंट है। और अब आपने देखा होगा, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, मोबाइल लेना है,
अब तो ट्रेंड ये आ गया कि अगर आपको किराने का सामान भी लेना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपको चॉकलेट्स भी लेनी है आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपको सामान चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर सिर्फ अब एक कंप्यूटर नहीं रहा, एक जीने का तरीका बन चुका है। ठीक है, अगर हमारी कोई मीटिंग है या हमारी कोई क्लास शेड्यूल हो गई है तो हम भी क्या करते हैं, अपने मोबाइल पे एक क्या करते हैं, रिमाइंडर लगा देते हैं कि हाँ इतने बजे हमारी एक क्लास लगेगी। ठीक है, या फिर लोगों के मोबाइल नंबर हमें सेव करना है, कुछ भी करना है, तो अब हमें क्या चाहिए, मोबाइल का सहारा या कंप्यूटर का सहारा लेना ही पड़ेगा किसी काम को सॉल्व करने के लिए। तो अब कोई भी डिपार्टमेंट हो, लाइक साइंस का डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, या हेल्थ या मेडिकल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो, बैंक हो, एंटरटेनमेंट मतलब लाइक मूवीज वगैरह ये जो बन रही है वहाँ पर, या किसी को ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनर्स आते हैं, मोटिवेटर्स आते हैं, या हम आर्ट्स में देख लेते हैं, आर्ट्स में भी अगर हमें कोई भी जॉब चाहिए, ठीक है, तो हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। लाइक हमें कोई कंटेंट देखना है तो हमें यूट्यूब से वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आपको वो जॉब पे क्यों रखेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी नई नई चीज़ें सीखने के लिए कि हाँ कौन कौन से लोग क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते थे, कौन कौन से एथलीट्स हुए हैं, इन सब के लिए, और रोबोटिक्स के लिए, ठीक है, रोबोटिक्स में तो कंप्यूटर का यूज़ है ही है, सिक्योरिटी के लिए, पब्लिशिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, साइंस के लिए, हर चीज़ में हमें किस किस की ज़रूरत है, कंप्यूटर। अब आप कोई बेसिक जॉब के लिए भी जाएंगे ना, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल बेसिक है बिल्कुल, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ही नहीं आता होगा ना, तो आपको जॉब पे नहीं रखेंगे, आपको हार्डवेयर का नहीं पता ना, कंप्यूटर अटैच कैसे करना है, आपको जॉब पे नहीं रखा जाएगा। हर एक फील्ड में ऐसी कोई फील्ड ही नहीं बची है जहां पर कंप्यूटर का यूज ना होता हो। तो अब कंप्यूटर क्या है, मतलब अब ये हमारी लाइफ में एंटर हो चुका है। अब कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बाद हम क्या सोचते हैं कि हमने अब बीसीए कर ली या बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिया, या एमसीए कर ली, एमएससी कर ली, बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, तो हम क्या करेंगे, हम किसी कंपनी में जाएंगे वहां पर जॉब कर लेंगे, या फिर कोई आईटी ऑफिसर की जॉब निकलेगी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की निकलेगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की निकलेगी, तो हम जॉब पे जा सकते हैं। मतलब ये तीन चार पोस्टें हैं जो हमें पता होती है, बल्कि आर्ट्स में तो सिर्फ यही पता होता है कि हम एचएएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, या कोई भी जो सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, लाइट में जा सकते हैं। आप लोग अगर एक कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं तो आप आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स की तरह उस फील्ड में तो जा ही सकते हैं, वो जॉब्स तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता अभी तक कि कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब, कितनी सारी प्राइवेट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं। और आजकल के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है, आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है, जो आपके कभी फैमिली मेंबर का नहीं था मगर आप कर रहे हो उसको पहली बार। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, लाइक एक फोटोग्राफर है, ठीक है, आपका वेबसाइट का बिजनेस है तो वो कैसे चलेगा, एक फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर को एक वेबसाइट की क्या जरूरत है, आपको लग रहा होगा क्या जरूरत है, उसको थोड़ी ना कोई जरूरत है, वेबसाइट होती क्या, मैं आपको बता देती हूँ, लाइक ये फेसबुक होगी, या कोई आपको एडमिशन लेनी है कहीं पे किसी कॉलेज में तो वो हो गया, कहीं पे होटल में बुकिंग करानी है तो वो क्या होती है, वो वेबसाइट होती है, ठीक है, तो एक फोटोग्राफर की क्या जरूरत है। अब मान लो एक फोटोग्राफर है, आप उसको जानते हैं और आपको पता है वो बहुत अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करता है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, वो किस किस को आप बता सकते हैं अपना काम, या उससे कौन कौन काम कराएगा, जो लोग उसका काम देख चुके हैं, मतलब जिस जिसने उसके एल्बम्स देखी होगी कि हाँ ये ऐसी वीडियोस बनाता है, ऐसी वो फोटोज क्लिक करता है, तो जिसने उसका काम देखा होगा तो वो करेगा, आपको पता होगा उसके पास कैमरा कौन सा है, कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, तो आप उससे करवाओगे। लेकिन मान लो चंडीगढ़ या दिल्ली में या कोई बाहर के शहर में, क्या एक जैसे ये मैं नाहन से हूँ, नाहन में कोई फोटोग्राफर है क्या, उससे कोई काम करवाएगा, वो कहेंगे अब, या नाहन में वो बंदा 40,000 50,000 में काम कर रहे हैं मान लो, और वही वहां पर ले रहे हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एक वीडियो शूट के, तो वो आप बोलोगे अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करोगे कि भाई ये बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, तो
वो उसको क्या लगेगा कि हाँ भाई वो 2 लाख रुपए ले रहा है, 40,000 रुपए ले रहा है, पैसे का नहीं है। उसको लगेगा कि भाई इतने छोटे से शहर में कौन किसको काम, क्या काम आता है, इसके पास क्या ही कैमरा होगा। लेकिन अगर उसकी वेबसाइट होती है अपनी, और वो अपनी नेट पे अपने चार्जेस डिस्प्ले कर सकता है, वो अपने फोटो शूट अपने वीडियो डाल देगा, तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ इसमें कोई स्टैंडर्ड है। अब हमें कौन से फोटोग्राफर पसंद आते हैं नेट पे, जो बहुत मतलब लाइक मॉडल्स होंगी या मूवीज अगर शूट करनी है तो कौन किसको बुलाएगा, जिसको वो नेट पे सर्च करेंगे कि इसका काम क्या था तो उसको ही हम रखेंगे। तो अगर उसकी वेबसाइट होती तो वो अच्छा काम करता, मतलब हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो आपके पास अगर कंप्यूटर की फील्ड है तो आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आप ना गवर्नमेंट जॉब करते हो ना प्राइवेट जॉब करते हो, तो आप फ्रीलांसिंग, बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं आप घर पे बैठ के कर सकते हो, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे जब आपका मन करे कि हाँ इस टाइम पे मैं घर पे ये काम करना चाहता हूँ, ये टाइम मेरे पास फ्री है, तो आप वो काम कर सकते हो। तो वो सिर्फ कंप्यूटर में ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जो आप कर सकते हो घर पे बैठ के। बाकी दूसरी जॉब्स में अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तीसरा क्या, रिसर्च। रिसर्च में अब आप किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करेंगे ना, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज में डेटा एनालिटिक्स यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन यूज होती है। तो अगर आप एक कंप्यूटर की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको एक रिसर्च करने के लिए सैप, एक्सेल, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको चलाने पड़ेंगे। तो वो आपको कब आते होंगे, जब अगर आप एक कंप्यूटर से भी है, अगर आपको नहीं आता है, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड से बिलोंग नहीं करते, तो सॉरी टू से आपको एक कंप्यूटर लिटरेट के पास ही जाना पड़ेगा सीखने के लिए, चाहे आप अपने आप को लगता हो कि हाँ मैं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा हूँ। तो इसीलिए आजकल के टाइम में कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जॉब प्रोफाइल्स, अब आपने सुना होगा HAS, IAS, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तीन चार चीजें होती है जो हमने सुनी होती है। कंप्यूटर की फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये देखो आप 45 जो है इसमें जॉब प्रोफाइल्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, इससे भी ज्यादा है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ जॉब प्रोफाइल्स आप नेट पर और भी सर्च कर सकते हैं। लाइक आपको साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट बनना है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बनना है, IT एसोसिएट बनना है, IT एडमिन बनना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको लेक्चरर बनना है, IT प्रोफेशनल बनना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है, कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, ट्यूटर बनना है, मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है, सीनियर एप्लीकेशन सपोर्ट एनालिस्ट बनना है, वेब डेवलपर बनना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, गेम डेवलपर, IT कंसल्टेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, वेब डिजाइनर, बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, इसरो साइंटिस्ट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में काम करना है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, IT मैनेजर बनना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट बनना है। आपको कितनी सारी चीजें हैं, मतलब कितनी सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद आप MSc, आप सोचते हैं कि आप सिर्फ MCA कर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बट ये देखिए आप MSc, अगर आप एक कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं तो आप कितने सारे सब्जेक्ट में आप MSc कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस में MSc कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में MSc करने का ये फायदा है कि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी। या फिर अगर आप स्पेशलाइज, आपका एम है कि मुझे इसी डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप एक पर्टिकुलर, आप हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में MSc कर सकते हैं, अप्लाइड डेटा एनालिटिक्स में कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन सिस्टम में कर सकते हैं MSc, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में MSc कर सकते हैं, IT में कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, MCA, आप कितना कुछ कर सकते हो, कितनी सारी फील्ड पे MCA कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, लाइक गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट होगी, वो पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑब्वियसली जिसने
उसमें कोर एरिया में मास्टर्स किया हुआ है, जिसे उस काम की एक्चुअल में नॉलेज है, जिसकी डिमांड चल रही है अभी। उसके अलावा कंप्यूटर में तो दुनिया भर के कोर्सेज हैं, जितनी लैंग्वेजेस उतने सारी सर्टिफिकेशन, SEO ट्रेनिंग होगी, सर्च इंजन मार्केटिंग होगी, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिसिस हो गए, और डिजिटल मार्केटिंग, मतलब इतने दुनिया भर की सर्टिफिकेशन है। और वो सर्टिफिकेशन भी अगर आपके पास होंगी तो आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट जॉब्स, आपको अभी तक पता होगा HSIS, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, और ये वो कंप्यूटर ऑपरेटर बस। और ये देखिए गवर्नमेंट जॉब्स, अगर आपने मास्टर्स की है तो आप कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डाटा एंट्री वर्कर बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डेटाबेस मैनेजर बन सकते हैं, क्लाइंट सिस्टम मैनेजर बन सकते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर बन सकते हैं, हार्डवेयर डिजाइनर, सिस्टम इंजीनियर, टेक्निकल आर्किटेक्ट, IT मैनेजर, IT एम्प्लॉय, होस्टिंग सर्विस मैनेजमेंट में जा सकते हैं आप, IT रिक्रूटर सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, हेल्थ सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। देखिए कितनी सारी, देखिए कंप्यूटर में कितनी सारी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब सभी खत्म नहीं हुई है। देखिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एनालिस्ट, सैप SD कंसल्टेंट, सैप फाइनेंस कंसल्टेंट, आप नेट पे जाएं, इतनी सारी फील्ड्स, मैंने आपको 55 गवर्नमेंट जॉब्स बताएंगे। बताओ कौन सा मतलब करके, मतलब कौन से ग्रेजुएशन करके आप इतनी सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप जो आर्ट साइंस के लिए जॉब्स हैं आप उसमें तो जा ही सकते हैं, वो तो ओपन है आपके लिए, बट जो कंप्यूटर साइंस की, ये जो मैंने आपको फील्ड्स बताई है, गवर्नमेंट जॉब्स बताई है, इसमें सिर्फ आप ही के लिए जॉब्स हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि हमें पता नहीं कंप्यूटर साइंस क्यों चूज किया है, अब आपको लग रहा होगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास काम ही काम है, बस करने की देर है। और गलती आप कहाँ करते हैं, सिर्फ पढ़ने में, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, उसके साथ साथ सर्टिफिकेशंस करें, अच्छी अच्छी चीजें सीखें, जैसे जैसे जिस जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के साथ अपने आप को अपडेट करें। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मेरे को इस लैंग्वेज में आता है, इस लैंग्वेज को मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, बाकी कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ऐसी लैंग्वेज आ जाए जो अभी तक है ही नहीं, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो जब तक आपको सब लैंग्वेजेस की नॉलेज नहीं होगी, आप एक नई लैंग्वेज भी नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरे बैकग्राउंड से होते हैं, आर्ट साइंस से, वो क्या करते हैं, उनको किसी काम के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने की जरूरत पड़ती है, बट ये काम उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि उनके पास सारी लैंग्वेज की समझ नहीं है, और जब तक आपको एक लैंग्वेज की ब्रॉड नॉलेज ना हो, तब तक आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पर आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में सिग्नल सेक्शन के अंदर आप जॉब कर सकते हो, BSNL में, इसरो में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, डिफेंस रिसर्च में कर सकते हो, मतलब कितनी सारी है। देखो UPSC में, CDS में आप लोग जॉब कर सकते हैं, इतनी सारी जगह है जहां पर आप लोग जॉब कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो जॉब है इंडियन रेलवे में, आप MSc के बाद क्या जॉब कर सकते हो, आप वहाँ टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो, मतलब वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज प्रोफाइल्स होती है जिसके लिए आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो। मास्टर्स के बाद भी अगर आपको एजुकेशन फील्ड में जाना है तो आपको PhD करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप टीचर, लेक्चरर और प्रोफेसर की जॉब में आ सकते हैं। और प्रोफेसर की जॉब या टीचर की जॉब तो वैसे भी आपको पता है एक बड़ी बहुत ही अच्छी जॉब है, मतलब कि प्रोफेसर, अगर आप जैसे कि मैं इस फील्ड में हूँ, तो मतलब ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर रहकर आप बहुत अच्छा बना सकते हो अपने नेशन को। आपको एक चांस मिला है जहाँ पर आपके पास हर टाइप का स्टूडेंट आएगा, और आप उसकी लाइफ बना भी सकते हो अगर आप एक अच्छा टीचर हो, और खराब भी कर सकते हो। तो
तो खराब नहीं करनी, आप लोगों ने सीखना है और एक अच्छा टीचर बनना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स के अलावा आप फ्रीलांसिंग जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीलांसिंग जॉब जो घर पे बैठ के हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी फ्री टाइम पे कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको इस टाइप की जॉब आप कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए हमें क्या है, मतलब जैसे कि एक असिस्टेंट होता है ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट, वैसे ही वर्चुअल असिस्टेंट मतलब लोगों की क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। डेटा एंट्री क्लर्क के उसमें काम कर सकते हैं। तो आपको डेटा एंट्री में आपको क्या क्या आना चाहिए, इसमें सब में मैंने ये भी बताया कि आपको किस किस चीजों की जरूरत है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। सोशल मीडिया मैनेजर मतलब अगर आपकी कोई लाइक वेबसाइट है या आपका कोई बिजनेस है तो उसको प्रमोट भी तो करना पड़ेगा ना, कि लोगों को कैसे पता चलेगा आपका बिजनेस है। तो उसके लिए भी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। आप नेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो कौन सा नाम सबसे ऊपर आ रहा है सबसे नीचे, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट है। उसके बाद है वेब टेस्टिंग। वेब टेस्टिंग में क्या है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है ऑनलाइन तो आपको टेस्ट करना है। तो वो टेस्ट कब कर पाओगे, जब आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आपने यूज किया होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस होगा, तभी आप कर पाओगे कि इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, ये लोगों के लिए यूजेबल है भी कि नहीं है, और मतलब इजीली उसको ऑपरेट भी कर पा रहे हैं, इसमें ये फीचर भी इंक्लूड किया जा सकता है, ये मतलब धीरे चल रहा है इस एप्लीकेशन से। तो ये सब कुछ वेब टेस्टिंग में आता है। उसके आते हैं वेब डेवलपर। आजकल जितने भी एप्लीकेशंस बन रही है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, जितने भी वेबसाइट बन रही है, वो सब कुछ किसके अंदर आता है, वेब डेवलपर। तो वेब डेवलपर भी मतलब थ्री टाइप्स के होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या काम हम कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा फ्रीलांस राइटर, कंटेंट भी लिखना होता है वेबसाइट पे, और लाइक बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है, तो उसका फ्रीलांस राइटर होता है, वो सिर्फ राइटिंग की जॉब करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर, अगर आपको अच्छी मतलब लॉजिकल नॉलेज है या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज है तो आप अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी जॉब है, ये जो बैनर्स बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, लोगो बनते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं, ये सब कुछ, इतनी सारी चीजें। और मतलब बुक्स पब्लिश होती है या न्यूज़पेपर में कुछ भी आता है, तो सबके लिए ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे काम सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन्स के लिए ही है। डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको भी बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, या फिर कितने लोग हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, कितने स्पैमर्स हैं उसमें, कितने लोग कितनी देर के लिए देख रहे हैं, कितने लोग पेड कंटेंट भी देख रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं घर बैठ के। तो डिजिटल मार्केटर एक है। वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आजकल यूट्यूब में, हम यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और थोड़ी देर के लिए टिकटॉक चला था, तो उसके लिए वीडियो बनाने के लिए वो भी लोग उसमें से बहुत पैसा कमा रहे थे। तो वो कैसे बनते हैं, जब कोई उनकी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट उनकी वीडियो को एडिट करता है। एडिट कब कर पाओगे, जब आपको उसकी अच्छी नॉलेज होगी। तो आप इन सब में स्पेशलाइज्ड मतलब सर्टिफिकेशन करके या ऑनलाइन सीख कर आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज आती है, मतलब कि अब मैंने आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज बता दी कि आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है, और आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज प्रिपेयर टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती सबको। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, एक पेट्रोल पंप है ना, एक आदमी आता है बहुत ही सुंदर कार लेकर, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रही है। तो जो पेट्रोल भरने वाला होता है ना, वो उस कार को देख रहा होता है, देखे ही जा रहा होता है, देखे ही जा रहा होता है। तो उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है, उसको बोलता है कि भाई क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो कहते हैं कि सर ये कार ना बहुत अच्छी है, और आपको बतानी है, ये मेरी ना ड्रीम कार है, और मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, और इस कार को ना एक चाहता हूँ कि एक दिन मेरी भी एक ऐसी ही कार हो, सेम ऐसी ही कार हो। और आप सोच नहीं सकते कि मतलब मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ कि एक दिन मेरे पास ये कार हो। तो वो आदमी क्या करता है, अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालता है और उसको दे देता है पर्सन को, पेट्रोल पंप वाले को।
मेरा आई कार्ड रखो ये, और तुम्हें कभी जॉब की जरूरत होगी या कुछ मतलब सलाह लेनी होगी तो मेरे ऑफिस में मुझसे विजिट जरूर करना। और चला जाता है वो पेट्रोल भरा के। तो उसके जाने के बाद वो बंदा क्या सोचता है, पेट्रोल भरने वाला, वो सोचता है कि अब आजकल इतने स्कैमर्स हैं, पता नहीं आतंकवादी ना हो ये बंदा, पता नहीं कैसे इसने पैसे कमाए होंगे, मेरे को बुला के किडनैप तो नहीं कर लेगा, मेरी किडनी तो नहीं बाहर निकाल देगा, ये पता नहीं कैसा इंसान होगा। आजकल तो मतलब पैसा उन्हीं के पास है जो दो नंबर का काम करते हैं, बाकी तो किसी के पास पैसा ही नहीं है। तो मैं ऐसे थोड़ी ना कोई इतना बड़ा आदमी मुझे कार्ड देकर चला जाएगा, पक्का कुछ उल्टे सीधे काम करवाएगा ये। तो वो क्या करता है, उसको डस्टबिन में फेंक देता है आई कार्ड को। फिर उसके बाद वो काम करता रहता है। 3 साल बाद क्या होता है, 3 साल बाद वही कार वहां पर दोबारा से पहुंचती है, सेम यही कार, और वो जो पेट्रोल भरने वाला था ना वो वहीं पर होता है, वही पर्सन होता है वहां पर। वो फिर से उस कार को देखे ही जा रहा होता है, देखे ही जा रहा होता है, देखे ही जा रहा होता है। तो अब वो एक्सपेक्ट करता है कि वो बंदा बाहर निकलेगा और वो मुझे पूछेगा, मगर उस गाड़ी से एक दूसरा पर्सन बाहर निकलता है और वो उससे पूछता है कि याद है कि 3 साल पहले एक आदमी आया था इसी कार में और उसने तुम्हें एक कार्ड दिया था और तुम्हें कहा था कि मुझसे आके मिलना। कहते हाँ हाँ लेकिन आपको ये बात को कैसे पता, इस बात को तो बहुत टाइम हो गया और मैंने किसी को बताया भी नहीं। तो वो कहता है कि मैं ना यहाँ पर सफाई करने वाला एक स्वीपर था, तुमने उस कार्ड को फेंक दिया, पता नहीं तुमने इस बारे में क्या सोचा होगा, बट मैंने उस कार्ड को लिया, मैं उस पर्सन के पास गया, उसने मुझे बिजनेस करना सिखाया कि बिजनेस कैसे करते हैं, और उसने मेरी बहुत हेल्प करी, और आज देखो आज मैं इसी कार में। तो तुमने उस टाइम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, तुमने उसको छोड़ दिया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, कोई भी जॉब बड़ी नहीं होती, ठीक है। आपको जब जो टाइम पे जो जॉब मिल रही है, हर जॉब से अगर आपको लग रहा है कि आपको छोटी कंपनी में काम मिल रहा है लेकिन आपको तो माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, तो आपने ऐसा नहीं सोचना है। आपको छोटी कंपनी में काम मिल रहा है तो छोटी कंपनी में आपको हर चीज सिखाई जाती है, मतलब सारा काम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको ही बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी में जाएंगे ना तो आप एक बड़े सॉफ्टवेयर के एक छोटे से पार्ट में काम कर रहे होंगे और आप कभी भी उतना काम नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, छोटी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, गवर्नमेंट जॉब में, कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि मतलब अब मैंने आपको आज मोटिवेट किया है तो आप सिर्फ ये चीज अपने तक ही ना रखें, आप और लोगों को भी ये इस चीज के बारे में बताएं। तो मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या है, एक आदमी होता है वो ना जंगल में चला जाता है और जंगल में उसको बड़ी दिन बड़ी भूख प्यास लग रही होती है, वो खो जाता है वहां पर। तो 4-5 दिन से ना वो प्यासा था और उसको ऐसा लगता है कि अब तो मतलब अगर कुछ घंटे मुझे और कुछ खाने को या पीने को नहीं मिला ना तो मैं तो पक्का ही मर जाऊंगा। तो वो भगवान को याद कर रहा होता है कि मैं तो सच में अब मरने ही वाला हूँ। फिर वो ना बहुत दूर तक चलता है, उसे एक झोपड़ी दिखती है, मगर उसको लगता है मेरा भ्रम था ये। तो क्योंकि उसे बहुत बार ऐसा भ्रम हो गया होता है, वो ढूंढ रहा होता है कुछ ना कुछ खाने पीने को, तो उसको लगता है कि ये तो मतलब पता नहीं, मगर उसकी लास्ट होती है वो जाके देखता है, उसको लगता है कि हाँ ये सच में झोपड़ी है। तो वो बड़ा खुश होता है। फिर वो क्या करता है, वो झोपड़ी के अंदर जाता है, मगर वो देखता है झोपड़ी तो बिल्कुल वीरान पड़ी है, कोई भी नहीं है उस झोपड़ी के अंदर, इधर उधर नहीं, वो निराश हो जाता है। और फिर वो अंदर जाता है मगर उसको बहुत प्यास लग रही होती है। तो जब वो झोपड़ी के अंदर जाता है उसको वहां दिखता है कि एक हैंडपंप है, वो बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ मुझे हैंडपंप मिल गया। वो पक्का जल्दी से क्या करता है, हैंडपंप चलाने की कोशिश करता है, 3-4 बार करता है, मगर उससे पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती, वो सूखा हुआ होता है हैंडपंप ना, एक भी बूंद पानी की नहीं निकलती। उसको लगता है अब तो मैं पक्का ही मर जाऊंगा क्योंकि अब मुझे 1 मिनट भी पानी नहीं मिला। जैसे ही वो लेटता है उसको ना एक पानी की बोतल में ना एक कागज लगा हुआ दिखता है, तो बड़ा खुश होता है कि अब पानी पीने को मिलेगा। तो वो कागज निकालता है तो
उसमें लिखा होता है इस पानी का यूज इस हैंडपंप को चलाने के लिए करें, मगर वो इतना प्यासा होता है कि वो सोचता है मैं तो मर जाऊंगा, तो अब मैं पता नहीं पानी डालने के बाद ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, ये पानी पी के कम से कम मैं थोड़ा बच तो जाऊंगा। तब वो क्या करे, एक तरफ उसकी वो बहुत कंफ्यूज है, एक तरफ उसकी लाइफ है, दूसरा हैंडपंप से क्या पता उसको लगता है कि पानी डाल के चल ही पड़े हैंडपंप, तो बड़ा सोचता है, बड़ा दुखी होता है। अब उसके लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है कि हाँ भी मैं क्या करूं। फिर वो डिसाइड करता है, देखता है वो बड़े हाथ कांपते रहते हैं, वो हैंडपंप में एक एक बूंद करके पानी डालता है, भगवान को याद करता है कि जो होगा देखा जाएगा, और उसके बाद चलाने की कोशिश, उसमें से आप देखता है वो ठंडा ठंडा पानी निकलना शुरू हो जाता है, उस पानी को वो पीता है, ठीक है, और अपनी प्यास बुझाता है, वापस से वो बोतल भर देता है। उस कागज पे एक चीज और लिखी होती है कि इस बोतल में मतलब जो भी कुछ रखा है ना, तो लिखा है इस बोतल को भर के वापस रख देना, तो वो उसको बोतल में वापस से पर्ची डालता है वही कि पानी निकलेगा, इसको बोतल को भर के रख देना। फिर दूसरा आगे जाता है, उसे एक बोतल और मिलती है, उसमें होता है वहां का नक्शा, वो नक्शे को याद करता है, चला जाता है। फिर चले जाने के बाद उसे एक चीज याद आती है, वो वापस जाता है उस कमरे में, झोपड़ी में वापस, और वो वापस लिखता है उसमें कि पानी जरूर निकलेगा, मेरा यकीन मानिए कि इस हैंडपंप से पानी निकलता है। उसने सोचा कि कोई और आएगा और अगर उसने गलती से पानी पी लिया और उसकी मेरे जैसी हालत हुई तो वो तो मर जाएगा दूसरा आने वाला, तो उसने दूसरे की हेल्प के बारे में उसने देखिए ध्यान से सोचिए कि उसने वहां से नक्शा भी नहीं उठाया, उसने नक्शा भी वही रख दिया ताकि कोई और भी जंगल से बाहर निकल सके। तो हमें क्या करना चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी चीज की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि हाँ यहाँ पर खत्म हो गया, और हम हर बार यही सोचते हैं कि पता नहीं इस हैंडपंप से पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बिल गेट्स को देखते हैं या बड़े बड़े पैसे वालों को, बहुत अंबानी को देखते हैं, बहुत बड़े बड़ी हस्तियों को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ तक पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उस टाइम में ये चीज नहीं थी तो उन्होंने ये चीजें करी तो वो वहां तक पहुंच गए, हमसे होगा या नहीं होगा ऐसा नहीं सोचना है, होगा जरूर होगा। तभी बोला था कि हाँ उसने बताया कि हम अगर खुद से किसी जगह पर पहुंचते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ आज बताया कि हम क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं, तो आप दूसरों को मोटिवेट भी कीजिए, दूसरों को रास्ता दिखाइए, अगर वो लोग ही जो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और दूसरों को मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर वो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, और एक दिन क्या होगा, हमारी लाइफ तो यही है ना, हमने जीना है, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम उसको फेस करेंगे और एक दिन मर जाएंगे, तो हमें याद कौन रखेगा अगर हम दूसरों को मोटिवेट ही नहीं करेंगे। तो दूसरों के लिए रास्ता बनाते चलिए, हमारे लिए रास्ता खुद ही बनता चला जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप औरों को मतलब बाकी लोगों को उनके ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए उन्हें मोटिवेट कर सके, उनकी हेल्प कर सके। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, बहुत एफर्ट किया मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए और आपने बहुत ही पेशेंटली इतनी लंबी वीडियो को सुना है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।